हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज सिंगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन से बनता है जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रियो, और उसको नरिशमेंट देने के लिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म विच इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म में है न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस में बनता है प्रो एम्ब्रियो, फिर बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर अल्टीमेटली बनता है हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। अच्छा भाई, ये एम्ब्रियो है कहाँ पे? रिमेम्बर, हमारे कार्पेल में ओवरी, ओवरी के अंदर ये है हमारा न्यूसेलस, जिसके अंदर है हमारा एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस की कवरिंग्स है, दो इंटेग्यूमेंट्स है, राइट? सो दीज आर द टू इंटेग्यूमेंट्स, and this is where it is attached through the funicle, right? So this is where the funicle is attached, okay? Now यहाँ पे धीरे 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 क्या बनने लगा? एंडोस्पर्म बनने लगा, right? और यहाँ पे याद है हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पर सस्पेंसर सेल्स थे, जिसको हमने बोला था होस्टोरियम। होस्टोरियम के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सस्पेंसर सेल्स है, एंड अल्टीमेटली हमारे पास है एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो में तुमने देखा था कितने कॉटिलेडन्स बन रहे थे? दो कॉटिलेडन्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो दिस इज बेसिकली हाउ द एम्ब्रियो फॉर्मेशन वॉज टेकिंग प्लेस। अब व्हाट आर द चेंजेस वी सी? धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो बाहर की ओवरी है, दिस ओवरी स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ फ्रूट, और ये अंदर का जो ओव्यूल दिख रहा है ना तुम्हें, दिस ओव्यूल विल नाउ स्टार्ट टू डेवलप इनटू सीड। ओके, सो रिमेम्बर, ओव्यूल से बनेगा सीड और ओवरी से बनेगा फ्रूट। कैसे याद रखेंगे? याद रखो, ओवरी है बाहर, ओव्यूल है अंदर, फ्रूट होता है बाहर और सीड होता है अंदर। फ्रूट डेवलपमेंट हम देखेंगे थोड़ी देर में, बट फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं सीड डेवलपमेंट में। जब ये सीड बनता है तो याद है हमारे ओव्यूल के पास टू कवरिंग्स है, एक है हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट और एक है हमारा इनर इंटेग्यूमेंट। रिमेम्बर, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट विल अंडरगो चेंजेस। आउटर इंटेग्यूमेंट बनाएगा एक कवरिंग जिसका नाम है टेस्टा। व्हाट इज द नेम? टेस्टा। एंड इनर इंटेग्यूमेंट बनाएगा एक कवरिंग जिसको हम बोलेंगे टेगमेन। क्या बोलेंगे? टेगमेन। सो आउटर एंड इनर फॉर्म्स टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा कंपैरेटिवली हार्ड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, टेगमेन कंपैरेटिवली मेम्ब्रेनस कवरिंग है। ओके, अब ये तो हो गई कवरिंग की बात है, व्हाट विल हैपन? ग्रेजुअली दिस एम्ब्रियो विल फर्दर डेवलप एंड विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग द एंडोस्पर्म। अब देखते हैं किस तरह से बनेंगे सीड्स। ओके, हमने देखना है डाइकॉट और मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर, तो फटाफट बनाते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। डाइकॉट सीड में तुम देखोगे देयर आर टू कॉटिलेडन्स, सो दीज आर द टू कॉटिलेडन्स, ये हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दीज आर द टू कॉटिलेडन्स। दीज टू कॉटिलेडन्स आर अटैच्ड एट अ सिंगल पॉइंट। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ओके, सो देर आर टू कॉटिलेडन्स, दिस इज अ स्मॉल एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड देर आर टू कॉटिलेडन्स विच आर अटैच्ड टू अ सिंगल पॉइंट। ओके, नाउ दिस इज डाइकॉट सीड। अब ये जो कॉटिलेडन के ऊपर है, यहाँ पे बनेगा प्लूमूल। ओके, और यहाँ से नीचे से रहेगा रेडिकल। अब वो हिस्सा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेडिकल एंड ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलेंगे प्लूमूल। तुमने कभी चने को अगर भिगोया होगा या मूंग को भिगोया होगा, एंड इफ यू कीप इट फॉर मे बी 1 or 2 days, यू विल सी धीरे धीरे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलने लगता है, दैट इज नथिंग बट द रेडिकल। Keep it for some more time and then just open the seed. You will see something like this comes out, right? And gradually से तुम्हें green color के structures देखने को मिलेंगे। Radical develops into the root and blue mold develops into the shoot which includes stem, leaves, etc. अब ये है embryonal axis, point जहाँ पे cotyledon attached है और प्लूमूल, कॉटिलेडन और प्लूमूल के बीच का जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल या एपिकोटिल। ओके, और तुम्हारे
रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस में यहाँ पे कॉटिलेडन और रेडिकल के बीच का जो हिस्सा है उसको बोलेंगे हाइपोकॉटाइल। सिंपली याद रखो एपी मतलब ऊपर, तो एपी ऊपर है, हाइपो नीचे है। अच्छा ये जो है तुम्हारा सीड, मैंने तो अभी खोल के दिखाया है, ये सीड के आजू बाजू में कवरिंग है, ये कवरिंग को बोलेंगे सीड कोट। क्या बोलेंगे? सीड कोट। सो देयर इज गोइंग टू बी सीड कोट एंड देयर आर गोइंग टू बी टू सीड कोट्स, कौन कौन सा? टेस्टा एंड टेगमेंट। सो दिस इज इजी, दिस इज क्वाइट इजी फॉर द डाइकॉट सीड। ओके अब चलते हैं मोनोकॉट सीड के पास। मोनोकॉट सीड में क्योंकि एक ही कॉटिलेडन है, मोनोकॉट सीड जब मैं बोलूं तो याद रखो ग्रासेस की बात कर रही हूं, और यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आएगा वीट, राइस एक्सेट्रा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीड ऑफ मेज बिकॉज इट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई। ओके मोनोकॉट में अगर तुम देखोगे तो मोनोकॉट कुछ कुछ तुम्हारा मेज जो है वो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके अब मेज में एक चीज याद रखो, तुम्हारा जो कॉटिलेडन है ना वो एक एंड में आ चुका है, ऐसे एक एंड में तुम्हारा कॉटिलेडन है। सो दिस बेसिकली इज योर कॉटिलेडन एंड दिस कॉटिलेडन इन मोनोकॉट इज कॉल्ड एज स्क्यूटलम। स्क्यूटलम या स्क्यूटलम इज नथिंग बट द कॉटिलेडन। अब ये जो कॉटिलेडन है इसके अंदर हमारा रेडिकल और प्लूमूल होगा, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। तो कहीं ना कहीं ये है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पे यू विल सी दिस साइड में तुम्हें मिलेगा प्लूमूल। क्या मिलेगा? प्लूमूल। प्लूमूल प्लूमूल के आजू बाजू में यू विल सी देयर इज अ कवरिंग, दिस कवरिंग इफ दिस इज द प्लूमूल। प्लूमूल के आजू बाजू में देयर इज अ कवरिंग और शीट, इस शीट को हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल। सो कोलियोप्टाइल इज द शीट दैट कवर्स द प्लूमूल। दूसरे एंड में अगर तुम आओ तो दूसरे एंड में ये है हमारा रेडिकल, और रेडिकल को कवर करने के लिए है अगेन एक शीट जिसको हम बोलेंगे कोलियोराइजा। सो बेसिकली कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर द शीट्स ऑफ प्लूमूल एंड रेडिकल। कैसे याद रखेंगे? कोलियोप्टाइल में पी है, प्लूमूल में पी है, रेडिकल में आर है, कोलियोराइजा में आर है, और ये जो है ये हमारा है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके अब चलते हैं इसका एंडोस्पर्म। ये तो एक कॉटिलेडन हो गया, वेर इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म यहाँ पे है। अब यहाँ पे एंडोस्पर्म की अगर मैं बात करूँ सो बाहर यू विल बी एबल टू सी वन लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म है। ये जो प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म है इसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। ओके सो एल्यूरॉन लेयर इज नथिंग बट द प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म। इसके अंदर भी एंडोस्पर्म है, इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है इट इज मेड अप ऑफ स्टार्च। सो अंदर की तरफ देयर इज अ स्टार्ची एंडोस्पर्म। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एंड अगेन एज यूजुअल वी हैव द सीड कोट। अभी अगर तुमने देखा होगा मेज का सीड तो देखो ऊपर की तरफ येलो येलो कलर दिखता है जबकि नीचे पे छोटा सा व्हाइट पैच दिखता है, दैट व्हाइट पैच इज नथिंग बट योर कॉटिलेडन। ओके सो दैट इज अबाउट द डाइकॉट सीड एंड द मोनोकॉट सीड। ओके अब जैसे जैसे ये सीड डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यू विल सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स। एक जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होते होते पूरी तरह एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लेता है, मतलब जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यू विल सी दैट एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली यूटिलाइज। ऐसे सीड में, ऐसा जब एम्ब्रियो सीड बनाएगा तो उसमें एंड प्रोडक्ट में तुम्हें एंडोस्पर्म नहीं दिखेगा। लेट अस सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके इन सम सीड्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यू विल सी दैट कम्प्लीटली एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे सीड को हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नाउ व्हाट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड। ओके अब नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। ओके बट देन देयर इज अनदर कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक में यू विल सी दैट भले ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो चुका होगा बट देन स्टिल सम एंडोस्पर्म विल रिमेन। एंडोस्पर्मिक का ही दूसरा नाम है एल्बुमिनस। एल्बुमिनस इज द सीड। ओके अब
एल्ब्यूमिनस अगर एंडोस्पर्मिक है तो नॉन एंडोस्पर्मिक को हम बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस. ओके सो नॉन एंडोस्पर्मिक इज एक्स एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मिक इज एल्ब्यूमिनस. एंडोस्पर्मिक किसमें एंडोस्पर्म बचा रहता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा हमारा एंडोस्पर्म बचा हुआ है किसमें, मेज में बचा हुआ है. ओके हमारा एंडोस्पर्म किसमें बचा हुआ है, कोकोनट में बचा हुआ है. रादर हमारे जितने भी मोनोकॉट्स या फिर यू कैन से जितनी ग्रासेस है लाइक योर वीट लाइक योर राइस, इन सब में एंडोस्पर्म बचा रहेगा. तो कौन है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक में आते हैं हमारे पीस, हमारे ग्राउंडनट, हमारे बीन्स, मतलब जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स है ना उसमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है. सो यहाँ पे मेज, कोकोनट, वीट, कैस्टर एसेट्रा. ओके अच्छा अभी जो नॉन एंडोस्पर्मिक है उसमें क्या होता है, पे अटेंशन, हमारा पी बटाना ले लेता है या फिर ग्राम चना ले लेता है. ओके अगर हम ग्राम को देखे तो ग्राम सीड में यू विल सी ऐसा कुछ तो दिखता है राइट, ग्राम का सीड तुम्हारा चने का सीड राइट. अब ये चने के सीड में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कैसी छोटी सी पतली सी लाइन दिखेगी एंड यू विल सी यहाँ पे दिखेगा गड्ढा. दिस गड्ढा इज नथिंग बट माइक्रोपाइल. व्हाट इज इट, माइक्रोपाइल. रिमेम्बर अभी माइक्रोपाइल का रोल क्या है, एंडोस्पर्म तो यूटिलाइज हो चुका है, अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन वाटर एसेट्रा चाहिए. तो ये माइक्रोपाइल जो एंड है, दिस इज द माइक्रोपाइल, यहाँ से इसको हम हिलम भी कहते हैं, हाइलम भी कहते हैं. ये माइक्रोपाइल या हाइलम के थ्रू ऑक्सीजन वाटर अंदर जाएगा ताकि सीड एक्टिवेट हो सके और जर्मिनेट हो सके. ये हम जनरली देखते हैं सीड्स में विच आर नॉन एंडोस्पर्मिक. व्हाई, बिकॉज इनका एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है. अब क्योंकि इनका एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है, जब ये जर्मिनेट करेंगे तो कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, कॉटिलिडन. यू विल सी ऐसे चने में वटाने में जनरली कॉटिलिडन है जो सबसे पहला सीड का लीफ बनाता है. सो द फर्स्ट लीव्स ऑफ द सीड दैट इज सीड लीव्स आर नथिंग बट कॉटिलिडन, आर नथिंग बट प्रोड्यूस फ्रॉम कॉटिलिडन्स इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. ओके अब एंडोस्पर्मिक में ये सब की जरूरत नहीं है क्योंकि एंडोस्पर्मिक में सीड जर्मिनेट जब तक के नहीं होता है तब तक के उसके पास एंडोस्पर्म है एंड वो अपना नरिशमेंट ले सकता है. दिस इज अबाउट सीड्स. हमने देखा डाइकॉट सीड, हमने देखा मोनोकॉट सीड, हमने देखा एंडोस्पर्मिक सीड, हमने देखा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. अब देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर. अब आइडियली हमने अब तक की सिर्फ एंडोस्पर्म की बात की, बट कुछ सीड्स में हमारे एम्ब्रियो सैक के बाहर याद है ये है हमारा न्यूसेलस राइट, न्यूसेलस जनरली न्यूसेलस भी यूटिलाइज हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट. बट कुछ सीड्स में, इन सम सीड्स द न्यूसेलस रिमेन्स परसिस्टेंट आफ्टर सीड डेवलपमेंट. सो न्यूसेलस रिमेन्स परसिस्टेंट आफ्टर सीड डेवलपमेंट, ऐसे न्यूसेलस को हम बोलेंगे पेरिस्पर्म. सो सम सीड्स हैव अ परसिस्टेंट न्यूसेलस व्हिच इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म एंड पेरिस्पर्म वाले एग्जांपल्स में आते हैं हमारे बीट. ओके सो हमारे एग्जांपल में आते हैं बीट और हमारे एग्जांपल में आते हैं ब्लैक पेपर. सो वी हैव बीट एंड ब्लैक पेपर के सीड्स व्हिच हैव पर सिस्टेंट न्यूसेलस कॉल्ड एज पेरिस्पर्म. अब हमने देखा सीड, बट हमें ये भी तो देखना है कि भाई सीड के आजू बाजू में क्या है. सीड के आजू बाजू में है फ्रूट. फ्रूट डेवलपमेंट हम देखेंगे बाद में, बट लेट अस टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट सीड. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड. सबसे पहली चीज तो सीड हेल्प्स यू टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन. रिमेंबर सीड्स आसानी से डैमेज नहीं होती है एंड सीड्स रिमेन फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग ड्यूरेशन. रादर सीड कब बना, जब क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सीड में वेरिएबिलिटी भी है. सीड्स एक बार सीड बन गई तो ये डिस्पर्स होगी एंड डिस्पर्स करने के लिए अलग अलग एजेंट्स अलग अलग तरीके यूज करेगा प्लांट. ओके सीड डिस्पर्सल हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रूट्स को एनिमल्स खाते हैं देन दे पूप आउट द सीड्स एंड जहां पे भी चला जाता है सीड विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. अगेन हमने देखा कुछ सीड्स के डिस्पर्सल के लिए देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स
जो उनको विंड के साथ लेकर जाता है. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीड डिस्पर्सल, बट रिमेम्बर एक बार सीड मैच्योर हो गया तो ये सीड डिस्पर्स हो जाएगा. बट ये डिस्पर्स होते बराबर इससे नया प्लांट बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. एवरी सिंगल सीड हैज सम पीरियड वेयर इट रिमेन्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. सच पीरियड इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी. सो डॉर्मेंसी वो पीरियड है जहां पे सीड जिंदा तो है, उसमें पोटेंशियल भी है, बट इट विल जस्ट रिमेन इनएक्टिव या मेटाबॉलिकली वेरी लेस एक्टिव, भले ही उसको अच्छी कंडीशंस क्यों ना मिल जाए. हर एक सीड का एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है और वो डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होने के बाद ही वो सीड जर्मिनेट होगा अगर तुम उसको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दोगे तो. ओके, अब कुछ सीड्स बहुत ही कम टाइम के लिए जिंदा रहती है, जैसे कि सिट्रस. सिट्रस की सीड्स यू विल सी काफी जल्दी खत्म हो जाती है, मर जाती है. बट सम सीड्स दे रिमेन वाइबल फॉर इयर्स टुगेदर. रिमेम्बर देर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स दैट वी नीड टू रिमेम्बर. ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी नीड टू रिमेम्बर इज ऑफ अ सीड विच रिमेन एक्टिव और विच रिमेन देयर फॉर 10,000 ईयर्स, प्रिजर्व फॉर 10,000 ईयर्स इन डॉर्मेंसी. ये सीड का नाम है ल्यूपिनस आर्टिकस. सो ल्यूपिनस आर्टिकस इज द नेम ऑफ द सीड और ये पाया गया था आर्टिक टुंड्रा में. आर्टिक टुंड्रा में इट वॉज प्रिजर्व फॉर अराउंड 10,000 ईयर्स. तुम बोलोगे इतना ज्यादा कैसे मैम? याद रखो वहां पे क्या है, आइस है और आइस में कोई भी चीज आसानी से सड़ती नहीं है. सो इट रिमेन वायबल और इट रिमेन प्रिजर्व फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. द नेक्स्ट सीड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रिसेंटली फाउंड एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2,000 ईयर्स ओल्ड. ओके, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेट पाम. डेट पाम है हमारा जिम्नोस्पर्म. ओके, सो यहाँ पे एक सीड पाया गया जिसका नाम है फिनिक्स टैक्टी. फिनिक्स डैक्टीली फेरा. फिनिक्स डैक्टीली फेरा इज द नेम ऑफ द प्लांट जिसका ये सीड है जो कि 2,000 ईयर्स पुराना है. इनफैक्ट ये पाया गया था जब किंग हेरोड का पैलेस एक्सकावेट किया गया था. सो व्हेन देयर वाज एन एक्सकावेशन इन किंग्स हेरोड का पैलेस तब ये फिनिक्स डैक्टीली फेरा पाया गया था. ओके, इसके अलावा यू विल सी कुछ बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स हैं, बट उनमें बहुत ही छोटे छोटे से सीड्स पाए जाते हैं, जैसे कि अंजीर, फिग. यू विल सी फिग का फ्रूट बहुत बड़ा है बट सीड्स बहुत छोटे हैं. क्यों? ताकि ये आसानी से डिस्पर्स हो सके. अंडरस्टैंड, हर प्लांट में अपने सीड का साइज या अपने सीड की डॉर्मेंसी ऑलरेडी इवोल्यूशन में ऐसी बना ली है ताकि उसके सर्वाइवल चांसेस सबसे ज्यादा रह सके. ओके, सो स्मॉल साइज ऑफ सीड का एग्जांपल है ऑर्किड. ओके, सो देयर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्किड. देन देयर इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिगा एंड ओरोबैंका. ओके, सो स्मॉल सीड्स का एग्जांपल है ऑर्किड्स. ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रिगा एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओरोबैंका. Remember these words guys, because these are the words given in your textbook and they may be asked in your exams. So seed dormancy is very important. अब ये जो seeds है हम इनको preserve भी करते हैं, जैसे कि तुम्हारे गेहूं और चावल की अच्छी varieties. अब ये अच्छी varieties के seed अगर मैं हर वक्त सो कर दूं तो खत्म हो जाएंगे, तो मुझे इनको seeds को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना है. हम प्रिजर्व करते हैं इन समथिंग कॉल्ड अ सीड बैंक, जिसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, एट -196 डिग्री इन लिक्विड नाइट्रोजन. ये सीड बैंक्स हमें एक कलेक्शन देते हैं सारे जीन्स का विच आर प्रेजेंट इन ऑल द डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स. वी हैव सीन सीड्स, वी नीड टू गो टू द फ्रूट डेवलपमेंट विच वी विल सी इन अ शॉर्ट वाइल.